गांव छबीरन में यहाँ पर उपस्थित सम्मानित बुजुर्ग भाई, सम्मानित मंच, मेरे साथ में चल रहे ठाकुर ओम जी, जो हमारे संचालक भी है, थाना भवन से पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठाकुर शेर सिंह राणा जी, हमारे बीच में नकुड़ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके ठाकुर रणधीर सिंह जी, बाबरी से हमारे साथ चल रहे जिला पंचायत सदस्य अनिल तीनू जी, अशोक प्रधान जी, अजब सिंह प्रधान जी, ठाकुर विश्वास प्रधान जी, आज आपके बीच में हम वोट की अपील के लिए आए हैं। लोकसभा का चुनाव है आने वाली 19 तारीख और साइकिल का निशान है। ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये स्वाभिमान का और बदलाव का चुनाव है, और आप लोगों ने यहाँ आज हमें बुलाया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आज चुनाव के दौरान आपने हमारा जो हाथ थामा है तो आपने हमें हमेशा के लिए अपना आशीर्वाद देकर कर्जदार कर लिया, और इसका कर्ज परिणाम कुछ भी हो इसका कर्ज आपके बीच में रहकर, आपके सुख दुख में रहकर, आपके स्वाभिमान की लड़ाई लड़कर मैं उतारने का आपको वचन देती हूँ। मेरे पिताजी यहाँ से पहले सांसद रहे हैं और उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि हर धर्म और हर जाति सर्वमान्य है एक नेता के लिए, अगर किसी एक का पक्षपात हो, झुकाव हो, तो उस नेता का वहीं से खात्मा शुरू हो जाता है, तो उनकी यही सीख है और इसी को मैं आपके आशीर्वाद से आगे ले जाना चाहती हूँ, और इसमें इस चुनाव में आप सब की मुझे ज़रूरत है। आज मैं आपके बीच आई हूँ और जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ भी आपको परेशानी होगी, जैसे मैं आज आपके बीच आई हूँ ऐसे ही आपके बीच में रहूँगी। भाई सभी की मांग है कि भाई शेर सिंह राणा जी भी अपने विचार रखे हैं, गाँव वाले आपको सुनने का बड़े इच्छुक हैं, तो कृपया 2 मिनट का समय सब लोगों के लिए आप। सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाई आश्वासन दे दो आप लोगों की ओर से, आश्वासन है देखिए चुनाव चल रहा है, दूसरे प्रत्याशी आप लोगों के बीच मांगेंगे, बरगलाने की कोशिश करेंगे। सर समाज का जिस तरीके से बहुतायत में वोट इकरासन को मिल रहा, कभी हमारे क्षेत्र में